हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं पुनीत, बिल्कुल झगास। और उम्मीद करता हूं आप होंगे बिल्कुल झगास। तो जब से मैंने शॉटगन 650 का वीडियो शूट किया है, तब से काफी क्वेरीज और काफी मैसेजेस आ रहे हैं कि सुपर मीटर 650 और शॉटगन 650 में डिफरेंसेस क्या हैं। सिमिलरिटीज तो आपको बताई है कि इंजन सेम है और चेसिस सेम है, मेन डिफरेंसेस क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं दोनों गाड़ियों के डिफरेंसेस कवर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है टायर साइज का। सुपर मीटर 650 का टायर साइज है 190x19 इंच। ये 19 इंच का टायर है, जबकि शॉटगन 650 का 18 इंच का टायर है, जो कि इसे बनाता है क्रूजर सेगमेंट की गाड़ी और उसे एक नॉर्मल या बॉबर सेगमेंट की गाड़ी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो वो है हेडलाइट में। जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये जो हेडलाइट है ये अलग है बिल्कुल, जबकि शॉटगन की जो हेडलाइट है वो मर्ज की हुई है इसी फ्रेम के अंदर। ये जो लाइट मीटर है इसके अंदर ही उसको प्रॉपरली मर्ज किया गया है, जबकि इसकी हेडलाइट बिल्कुल अलग है। ये है सुपर मीटर 650। आगे डिफरेंस की बात करें तो लीवर, इसके लीवर सिल्वर फिनिश में आपको मिलेंगे। दोनों लीवर इसके सिल्वर फिनिश में है, जबकि शॉटगन के लीवर्स ब्लैक फिनिश में है। नेक्स्ट डिफरेंस है मिरर्स का। मिरर्स आपको इसमें क्रोम मिलेंगे जैसा आप देख पा रहे हैं, और शॉटगन 650 में आपको ये पूरे के पूरे टोटल ब्लैक मिलेंगे। और यहाँ एल्युमिनियम फिनिश है इस गाड़ी में। यह सुपर मीटर 650 और यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये भी एल्युमिनियम फिनिश है, जबकि शॉटगन में ये चीज कम्प्लीटली ब्लैकआउट की गई है। नेक्स्ट बात करें ये हैंडल बार प्लेट की, तो सुपर मीटर 650 में ये एक्स्ट्रा एक्सेसरी में आती है। ये सिल्वर फिनिश में है, जबकि शॉटगन में ये आपको कम्प्लीटली ब्लैक और ग्लॉसी मिलेगी, जबकि ये यहाँ पर सिल्वर में है और हल्का सा इसमें मैट लुक दिया गया है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो ये फ्यूल फिलर कैप है, जो इसमें सिल्वर में है और मैट फिनिश में है और सेम है वह सब कुछ। और शॉटगन में ये ब्लैकआउट किया गया है, जो कि ग्लॉसी फिनिश में है। यानी कि ये माने कि शॉटगन को कंप्लीट लगभग उसको ग्लॉसी में किया गया है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो वो आता है इसका मैग्नेट कवर। मैग्नेट कवर इस गाड़ी का मैट फिनिश में है ब्लैक में, लेकिन शॉटगन में यही चीज ये पूरा कवर ग्लॉसी ब्लैक में किया हुआ था, जो उसके हिसाब से शायद अब अपना अपना सब्जेक्टिव है कि अच्छा लगे ना लगे। और ये जो यहाँ बैजिंग है रॉयल एनफील्ड की, इसमें गोल है, जबकि उसमें रॉयल एनफील्ड प्रॉपर लिखा हुआ था मैग्नेट। हाँ, इसे मैग्नेट कवर ही कहते हैं शायद, मैग्नेट कवर में ऐसा था। और इंजन इसमें आपको हल्का सा क्रोम दिख रहा है, यहाँ ब्लैक है मैट फिनिश और यहाँ पर भी ब्लैक है मैट फिनिश में, जबकि शॉटगन में ये कम्प्लीटली पूरा ब्लैक्ड आउट किया हुआ है। नेक्स्ट डिफरेंस है ये जो एक हल्का सा कवर है ये यहाँ पर शाइनी सिल्वर में है, स्टील मान लीजिए सिल्वर मान लीजिए, जबकि शॉटगन में ये पूरा के पूरा ब्लैक किया हुआ है। तो कॉस्मेटिक चेंजेस काफी है दोनों बाइक्स में, अंतर में डिफरेंसेस इसी का आता है। अब सबसे मेजर डिफरेंस दोनों में जो है वो है फुटपैक्स का। हाँ, नोटिस कीजिएगा कि ये सुपर मीटर 650 है, इसके फुटपैक्स बिल्कुल आगे हैं, ये देख पा रहे हैं बिल्कुल इसके सीध में हैं, जबकि जो शॉटगन है उसके फुटपैक्स आपको यहाँ मिलेंगे। अंतर क्यों है? क्योंकि ये एक क्रूजर बाइक है और वो एक बॉबर है, या कह सकते हैं आप एक नॉर्मल डेली यूज की बाइक है। ऐसा ही दूसरी तरफ भी है, दूसरी तरफ भी जो फुटपैक है इसका बिल्कुल आगे की तरफ है, जो से क्रूजर बना था उसका बिल्कुल इस सीध में, जैसे आप क्या देख पा रहे होंगे वीडियो में, इस सीध में दिया हुआ है बिल्कुल इसके बिल्कुल नजदीक। अगला डिफरेंस आता है जो कि सबसे मेजर है, जो बहुत लोगों को शायद ना पसंद आए, वो है साइलेंसर का। ये पूरा साइलेंसर सुपर मीटर 650 में क्रोम में दिया हुआ है, जबकि शॉटगन में ये कंप्लीटली ब्लैकआउट किया गया है, जो आई थिंक इंडियन सिनेरियो में ब्लैक ज्यादा लोगों को पसंद वैसे आता नहीं है। और देखें दोनों साइलेंसर इसमें कम्प्लीटली, देखिए स्टेनलेस स्टील फिनिश में बहुत जबरदस्त लगते हैं। और यदि मैं पोजीशनिंग की बात करूं तो ये देखिए इसमें जो रियर लुक है साइलेंसर का वो थोड़ा सा इनवर्ड है, अंदर की तरफ ये साइलेंसर है थोड़े से, जबकि शॉटगन में यही साइलेंसर्स बाहर की तरफ निकले, यूं है साइलेंसर्स ऐसे निकले हैं और इसमें अंदर की तरफ है। ये एक लुक में थोड़ा सा चेंज करता है। फिर एक और बड़ा डिफरेंस जो कि दोनों में वो है रियर टायर साइज का।
इसका जो टायर सेक्शन है 150 बाय 80 बाय 16 इंचेस है, आगे वाला है 19 इसमें और पीछे वाला है 16, जिसकी वजह से ये बाइक क्रूजर बनती है। जबकि शॉटगन में आगे वाला भी 18 है और पीछे वाला भी 18 है। और टायर सेक्शन में फर्क है, ये है 150 सेक्शन का टायर जबकि वो है 130 सेक्शन का टायर। और रही बात सीट की, तो सीट में भी बहुत फर्क है। इसकी काफी कंफर्टेबल और थोड़ी सी डीप सीट है और पीछे वाली कह सकते हैं थोड़ी सी छोटी सीट है, जबकि उसमें डिटैचेबल सीट है, इसलिए डिटैचेबल सीट नहीं है। इसमें आपको पूरा पेच लगाकर सब कुछ खोलना पड़ेगा तब जाकर ये सीट खुलेगी। उसमें सिर्फ यहाँ पर चाबी होती है, चाबी लगाइए और सीट अपने आप अनलॉक हो जाएगी। अच्छा, बात कर रहे हैं इसके क्लच कवर की, तो ये भी ब्लैक में और मैट फिनिश में दिया हुआ है, जबकि ये शॉटगन में और कम्प्लीटली बिल्कुल चमकदार से कहते हैं ग्लॉसी में दिया हुआ है ब्लैक कलर में। अब भाई बहुत लोग कमेंट करके कहेंगे कि गाड़ी गंदी हो रही है, तो यार सही कहूँ इतनी जोर की आंधी आई है और मैंने अभी अभी इसकी चेन लूप भी की है, जिसकी वजह से गाड़ी हल्की फुल्की गंदी भी हो सकती है। तो दोस्तों ये थे गाड़ी के कुछ मेजर डिफरेंसेस जो मैंने नोटिस किए। वैसे आप लोगों को यदि कुछ नोटिस में आया हो जो मेरे से छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अब क्वेश्चन आता है कि प्राइस और फेवरेट। देखो प्राइस की बात करें तो शॉटगन आई थिंक शायद 8,000 या 10,000, थोड़ी सी कॉस्टली है, ज्यादा कुछ नहीं शायद, नॉट सो श्योर। और फेवरेट की बात करें तो देखिए फेवरेट होता है सब्जेक्टिव, हर एक को अलग अलग पसंद आता है। मेरे से आप पूछे तो मुझे तो सुपर मीटर 650 ज्यादा पसंद आई। आप नहीं ये कहेंगे कि भाई मेरे पास ये है तो इसलिए पसंद आई, नहीं, मैं एक्चुअली मैंने शॉटगन का भी काफी वेट किया, वो नहीं आई तो मैंने फिर सुपर मीटर 650 ले ली। मुझे पसंद इसलिए क्योंकि इसका रियर टायर का सेक्शन बहुत वाइड है जो देखने में चलने बहुत जबरदस्त लगता है, और मुझे पर्सनली क्रोम थोड़ा पसंद है साइलेंसर में, और हल्की चमकदार सी गाड़ी मुझे पसंद है, मुझे ब्लैक्ड आउट इतनी नहीं पसंद, तो इसीलिए मुझे सुपर मीटियोर और 650 ज्यादा पसंद है। वैसे सबकी अपनी अपनी पसंद हो सकती है, आप लोगों को क्या पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो तब तक के लिए बने रहिए छकास।